जय गोपाल। आइए प्रिय श्रोताओं, भजनों की सभा है, थोड़े समय के लिए ही रखी है, लेकिन इसका आनंद लीजिए, भरपूर आनंद लीजिए। फकीरों खड़ो खड़ो मुस्काए, फकीरों खड़ो खड़ो मुस्काओ, ना कोई नाम हरि को लेवे, ना कोई नाम हरि को लेवे, ना कोई काम पे जाए, फकीरो खड़ो खड़ो मुस्काए, फकीरो खड़ो खड़ो मुस्काए। कोई कोई नावे गंगा जमुना, यो तो भारत के नेता भी गंगा जमुना नहाने के लिए जाते हैं। कोई कोई नहा, लेकिन सच्चे हृदय से जो गंगा जमुना नहाने जाता है उसको लाभ मिलता है, परम लाभ। कोई नहावे गंगा जमुना, कोई कोई जाम चढ़ाए, फकीरो खड़ो खड़ो मुस्काए, फकीरो खड़ो खड़ो मुस्का, फकीरो खड़ो खड़ो मुस्का। कोई कोई खावे हलवा पूरी, कोई कोई खावे हलवा पूरी, कोई कोई हाड चबाए, फकीरो खड़ो खड़ो मुस्काए, फकीरो खड़ो खड़ो मुस्काए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा है, गुरु ग्रंथ साहब के शब्द हैं कि मैं हूँ परम पुरुष को दासा, जग देखण आयो तमाशा। इस संसार एक रंगमंच है जिसपे सभी लोग पात्रों की तरह एकत्रित होके अपना अपना रोल अदा करते हैं। फकीरो खड़ो खड़ो मुस्काओ, ना कोई नाम हरि को लेवे, ना कोई नाम हरि को लेवे, ना कोई काम पे जाए, फकीरो खड़ो खड़ो मुस्काए। कोई कोई नावे गंगा जमुना, कोई कोई नावे गंगा जमुना, कोई कोई जाम चढ़ाए, फकीरो खड़ो खड़ो मुस्काए, फकीरो खड़ो खड़ो मुस्काए। कोई कोई खावे हलवा पूरी, कोई कोई खावे हलवा पूरी, कोई कोई हाड चबाए, फकीरो खड़ो खड़ो मुस्काए, फकीरो खड़ो खड़ो मुस्काए। कोई बाचे धर्म ग्रंथ, कोई कोई बाचे धर्म ग्रंथ, कोई मुर्ग मुसलम खाए, फकीरो खड़ो खड़ो मुस्काए, फकीरो खड़ो खड़ो मुस्काए। कोई जन डाले चुग्गा चिड़ियन, कोई जन डाले चुग्गा चिड़ियन, कोई कोई कतल मचाए, फकीरो खड़ो खड़ो मुस्काए, फकीरो खड़ो खड़ो मुस्काए। भारत की आदत कभी जाने वाली नहीं जल्दी से। फकीरो खड़ो खड़ो मुस्काए, फकीरो खड़ो खड़ो मुस्काए। कोई कोई बाटे प्रेम प्रभु को, कोई कोई बाटे प्रेम प्रभु को,
कोई कोई बॉम्ब चलाए फकीरो, खड़ो खड़ो मुस्काए फकीरो, खड़ो खड़ो मुस्काए। कोई कोई मांगे हीरा मोती, कोई कोई मांगे हीरा मोती, कोई घट जोत जलाए फकीरो, खड़ो खड़ो मुस्काए फकीरो, खड़ो खड़ो मुस्काए। अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं। कोई चोरे चोर खजाना, कोई चोरे चोर खजाना, कोई अके लुटाए फकीरो, खड़ो खड़ो मुस्काए फकीरो, खड़ो खड़ो मुस्काए। कोई खेल है जुआ खेल कोई, कोई खेल है जुआ खेल कोई, मंदिर शंख बजाए फकीरो, खड़ो खड़ो मुस्काए फकीरो, खड़ो खड़ो मुस्काए। कोई कंचन महल बना कर, कोई कंचन महल बना कर, हरि मूरत पधराए फकीरो, खड़ो खड़ो मुस्काए फकीरो, खड़ो खड़ो मुस्काए फकीरो, खड़ो खड़ो मुस्काए। नारी तजे करे चिन्नारी, नारी तजे करे चिन्नारी, नारी तजे करे चिन्नारी, नारी तजे करे चिन्नारी, व्यभिचारी कहलाए फकीरो, खड़ो खड़ो मुस्काए फकीरो, खड़ो खड़ो मुस्काए फकीरो, खड़ो खड़ो मुस्काए। अंतिम पंक्तियां हैं। कोई कोई जती सती का जोड़ा, कोई कोई जती सती का जोड़ा, कोई कोई जती सती का जोड़ा, कोई कोई जति सती का जोड़ा, ध्यान भगति चित लाय फकीरो, खड़ो खड़ो मुस्काए फकीरो, खड़ो खड़ो मुस्काए। ना कोई नाम हरि को लेवे, ना कोई नाम हरि को लेवे, ना कोई काम पे जाए फकीरो, खड़ो खड़ो मुस्काए फकीरो, खड़ो खड़ो मुस्काए फकीरो, खड़ो खड़ो मुस्काए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। फकीरो खड़ो खड़ो मुस्काए फकीरो, खड़ो खड़ो मुस्काए फकीरो, खड़ो खड़ो मुस्काए। ये संसार द्वैत से भरा हुआ है। आदमी दिन रात दुख सुख भूख प्यास बैर भाव प्रेम इत्यादि द्वैत रूपी दलदल में सदैव फंसा रहता है, जन्मता है मरता है अनेकों बार, निकलने का प्रयास करने वाले बहुत बिरले होते हैं। ऐसा कुछ मेरे भाव उदय हुए कि कोई कोई खावे हलवा पूरी,
कोई कोई हाड चबाए, फकीरों खड़ो खड़ो मुस्काए। अभागे वो भगवान की सेवा कभी नहीं करते, ना कोई काम पे जाए, ना कोई हरि को नाम जपे है, ना कोई काम पे जाए। काम से मतलब है भगवान की सेवा। कोई भी भगवान की सेवा के लिए घर से बाहर कदम नहीं उठाता, सब अपने पेट भरने के लिए ही निकलते हैं और शाम को फिर वापस आ जाते हैं। जैसे कोई पंछी, कोई पशु, ये बिना पूछ का पशु। जय गोपाल, ऐसे ही भाव हृदय से उदय हुए थे तो मैंने कागज पर उतारा और आपको सुनाया। कोई त्रुटियां हो तो क्षमा करना। और इसी के साथ फिर इस सभा का एक दूसरा भजन है, भगवान की श्री चरण कमलों में समर्पित किया है, सुनिए। मुझ मूरख के घर, मुझ मूरख के घर, श्याम सुंदर हरि मुरली मधुर बजाए। मुझ मूरख के घर, श्याम सुंदर हरि मुरली मधुर बजाए। पीत कछनिया कमर कौंदनी, पीत कछनिया कमर कौंदनी, श्यामल तन तिरछाए, मुरली मधुर बजाए। मुझ मूरख के घर, श्याम सुंदर हरि मुरली मधुर बजाए। अधरंधर मुस्कान मनोहर, ब्रज की याद दिलाए, ब्रज की याद दिलाए। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान सदैव मेरे हृदय में वास करें और मेरे घर में निवास करते हैं। छोटी मोटी जो सेवा बन पाती है मैं उनका चाकर हूँ। मुझ मूरख के घर, श्याम सुंदर हरि मुरली मधुर बजाए। अधरम धर्म मुस्कान मनोहर, अधरम धर्म मुस्कान मनोहर, ब्रज की याद दिलाए। मूरख के घर, श्याम सुंदर हरि मुरली मधुर बजाए, मुरली मधुर बजाए। पीत कछनिया कमर कौंदनी, पीत कछनिया कमर कौंदनी, श्यामल तन तिरछाए। मूरख के घर, श्यामल तन तिरछाए, गलबन माला नयन विशाला, बाल तिलक दर्शाए। मुझ मूरख के घर, श्याम सुंदर हरि मुरली मधुर बजाए। मुझ मूरख के घर, श्याम सुंदर हरि मुरली मधुर बजाए, मुरली मधुर बजाए, मुरली मधुर बजाए। मुझे मूरख के घर, श्याम सुंदर हरि मुरली मधुर बजाए। अधरंग धर मुस्कान मनोहर, अधरंग धर मुस्कान मनोहर, ब्रज की याद दिलाए, ब्रज की याद दिलाए, ब्रज की याद दिलाए। गयन के ग्वालन के संग संग, बन बन गाय चराए। गयन के
ग्वालन के संग संग बन बन गाय चराए, ब्रज गोपियन के घर जा जा कर, ब्रज गोपियन के घर जा जा कर, ताजा माखन खाए। मूरख के घर शाम सुंदर हरि मुरली मधुर बजाए, मुरली मधुर बजाए, मुरली मधुर बजाए। कदमन के तल रात चांदनी मधुवन रास रचाए, कदमन के तल रात चांदनी मधुवन रास रचाए। सांख्य फकीरा मदन गोपाला, सांख्य फकीरा मदन गोपाला, कृपा के तीर चलाए, कृपा के तीर चलाए। मूरख के घर श्याम सुंदर हरि मुरली मधुर बजाए, मुरली मधुर बजाए, मुरली मधुर बजाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। नंदलाल गोपाल श्याम के बाम अंग दस भाग दुलारी, नंदलाल गोपाल श्याम के बाम अंग दस भानु दुलारी। दर्शन के प्यासे ऋषि मुनि जन जय हो मदन मुरारी, दर्शन के प्यासे ऋषि मुनि जन जय हो मदन मुरारी, जय हो मदन मुरारी। दास फकीरा करे आरती, दास फकीरा करे आरती, घंटा शंख बजाए, घंटा शंख बजाए। मूरख के घर श्याम सुंदर हरि मुरली मधुर बजाए, मूरख के घर श्याम सुंदर हरि मुरली मधुर बजाए। अधरन धर मुस्कान मनोहर, अधरन धर मुस्कान मनोहर, ब्रज की याद दिलाए। मूरख के घर श्याम सुंदर हरि श्याम सुंदर हरि मुरली मधुर बजाए, मूरख के घर श्याम सुंदर हरि मुरली मधुर बजाए। अधरंग धर मुस्कान मनोहर, अधरंग धर मुस्कान मनोहर, ब्रज की याद दिलाए। मूरख के घर
श्याम सुंदर हरि मुरली मधुर बजाए, मुरली मधुर बजाए, मुरली मधुर बजाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोगों को मैं यही प्रार्थना किया करता हूँ कि भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन कीजिए, बहुत आनंद आएगा, बहुत रस बरसेगा, आपके आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जय गोपाल। एक अंतिम आज की सभा का भजन है, उसको भी मैं आप लोगों को गाकर सुनाऊंगा। सुन ले प्यारे सनातन धर्म सुन ले, अरे सुन रे प्यारे सनातन धर्म, सुन रे प्यारे सनातन धर्म, तेरा जाने ना कोई मन। सुन रे प्यारे सनातन धर्म, तेरा जाने ना कोई मन। सुन रे प्यारे सनातन धर्म, तेरा जाने न कोई मन। लोग बहुत सभी कहते हैं, जो जो संपर्क में आते हैं धर्म किताबों के, कि सनातन धर्म के हम लोग हैं, सनातन धर्म की किताबें हैं, ग्रंथ हैं। लेकिन मर्म सनातन धर्म का कोई नहीं जानता, कोई बिरला ही पुरुष जानता है। सुन रे प्यारे सनातन धर्म, तेरा कोई ना जाने मर्म। सुन रे प्यारे सनातन धर्म, तेरा जाने ना कोई मर्म। कोई कहता राम बड़ा है, कोई कहता कृष्ण बड़ा है, कोई कहता राम बड़ा है, कोई कहता कृष्ण बड़ा है, कोई कहता बड़ा है कर्म, कोई कहता बड़ा है कर्म, तेरा जाने ना कोई मर्म, तेरा कोई ना जाने मर्म। सुन रे प्यारे सनातन धर्म, हिंदू मुस्लिम करे लड़ाई, धर्म एक है सुनो रे भाई। हिंदू मुस्लिम करे लड़ाई, धर्म एक है सुनो रे भाई। सींचे लड़ कर दो अधर्म, सुन रे प्यारे सनातन धर्म, सींचे लड़ कर दो अधर्म, सुन रे प्यारे सनातन धर्म, सुन रे प्यारे सनातन धर्म, तेरा जाने ना कोई मर्म। कोई डाकू कोई तोड़े ताला, कोई डाकू कोई तोड़े ताला, दोनों करते यूं मुंह काला, दोनों करते यूं मुंह काला। इनको आती नहीं है शर्म, सुन रे प्यारे सनातन धर्म,
तुमको आती नहीं है शर्म, सुन रे प्यारे सनातन धर्म तेरा कोई न जाने मर्म, सुन रे प्यारे सनातन धर्म कोई कत्ल करे जीवों का, कोई कत्ल करे जीवों का, कोई फुलका खाए गेहूं का, कोई कत्ल करे जीवों का, कोई फुलका खाए गेहूं का, एक गर्म एक गर्म एक है नर्म, एक गर्म एक है नर्म तेरा कोई न जाने मर्म, सुन रे प्यारे सनातन धर्म तेरा कोई न जाने एक अकल को बड़ा बताए, एक अकल को बड़ा बताए, एक भैंस को पहाड़ चढ़ाए, एक भैंस को पहाड़ चढ़ाए, एक अकल को बड़ा बताए, एक अकल को बड़ा बताए, एक भैंस को पहाड़ चढ़ाए, इनकी पतली मोटी चर्म, सुन रे इनकी इनकी पतली मोटी चर्म तेरा कोई न जाने मर्म, सुन रे प्यारे सनातन धर्म तेरा कोई न जाने मर्म, सुन रे प्यारे सनातन धर्म तेरा कोई न जाने मर्म। अंतिम पंक्तियां आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जो कहता है मेरा मेरा, ये सारी सृष्टि सुंदर वसुंधरा ये किसी की नहीं है। श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज को उपदेश करते हुए सुखदेव गोस्वामी भगवान कहते हैं कि एक बार पृथ्वी माँ ने प्रकट होकर के एक चक्रवर्ती सम्राट अहंकारी सम्राट को ऐसा कहा कि अरे मूर्ख राजा, तुझसे पहले करोड़ों चक्रवर्ती सम्राट मेरे ऊपर आए और उन हरेक ने यही दावा किया कि मैं भूपति हूं, मैं भूपति हूं, आज उनका नामो निशान नहीं मिलता। आज तू कहता है कि मैं भूपति हूं, मैं चाहूं जो कर दूं, इस अहंकार को थूक दे, करने वाला कोई और है तू नहीं, तू कर्ता के भाव से मुक्त हो जा अगर भला चाहता है तो। ऐसा उपदेश करके पृथ्वी माँ अंतर्ध्यान हुई। लेकिन हम सोचते हैं ये मेरा है ये मेरा है, छोटे छोटे घरगुल्ले बना लेते हैं और मेरा 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 कहते कहते मर जाती हैं, जैसे कोई जप कर रहा हो मेरा 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 मेरा, अरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 करे तो कुछ फल मिलता है, लेकिन मेरा 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 तेरा 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 करने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जो कहता है मेरा मेरा, क्या है हमारा यहाँ पर, ये शरीर भी तो हमारा नहीं है, उस प्रभु की कृपा से मिला है कुछ समय के लिए शुद्ध कार्य करने के लिए, इसका हम सही इस्तेमाल करें तो हमारा भला है वरना नहीं। कोई कहता है भारतवर्ष मेरा है, कोई कहता है अमेरिका मेरा है, कोई कहता है पृथ्वी मेरी है, मैं पृथ्वी का भूपति हूं, ये सब अहंकारी हैं। ये अहंकार भगवान के बीच में ऐसे ही एक दीवार है, जैसे चाइना में एक दीवार है, बड़ी दीवार, विश्व की बड़ी दीवार, अहंकार ही परमात्मा के हमारे बीच में चाइना वाल है, चाइना की दीवार है, इस अहंकार को थूक देना चाहिए।
थूक देना चाहिए, मेरा मेरा। हाँ कोई कहता है मेरा मेरा, जो हाँ जो कहता है मेरा मेरा, उसके आगे घोर अंधेरा। जो कहता है मेरा मेरा, उसके आगे घोर अंधेरा, घोर अंधेरा, घोर अंधेरा। फकीरा दुनिया बड़ी बेशर्म, तेरा कोई न जाने मर्म। फकीरा दुनिया बड़ी बेशर्म, तेरा कोई न जाने मर्म। सुन रे प्यारे सनातन धर्म, तेरा कोई न जाने मर्म। सुन रे प्यारे सनातन धर्म, तेरा कोई न जाने मर्म। कोई कहता राम बड़ा है, कोई कहता कृष्ण बड़ा है, कोई कहता राम बड़ा है, कोई कहता कृष्ण बड़ा है, कोई कहता बड़ा है कर्म, कोई कहता बड़ा है कर्म तेरा, कोई न जाने मर्म। सुन रे प्यारे सनातन धर्म, तेरा कोई न जाने मर्म, कोई न जाने मर्म, कोई न जाने मर्म। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। जय गोपाल। धर्म के मर्म को कोई नहीं जानता। हम सभी इस पृथ्वी के ऊपर ही नहीं, तमाम ब्रह्मांडों में जितने भी जीव प्राणी हैं, ये सभी सनातन धर्मी हैं। सनातन धर्म कहते हैं हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को, हमारी विशुद्ध भावना को ही धर्म कहा जाता है। उस विशुद्ध भावना के ऊपर जन्म दर जन्म अनेकों रंग चढ़ गए, काले पीले लाल नीले इत्यादि इत्यादि। इसी से हम इस संसार के जन्म मरण जरा व्याधि के सर्कुलेशन में यानी भंवर में भटक रहे हैं, जन्म जन्म से, लाखों करोड़ों जन्मों से। शास्त्र ग्रंथ धर्म के जितने भी हैं धरती के ऊपर, वो सभी हमारी भावना को उस ओरिजिनल स्थिति में पहुंचाने के लिए मदद करते हैं, मार्गदर्शन दर्शाते हैं।
हमारी विशुद्धतम भावना को, हम सभी का, सभी की कॉन्शियसनेस यानी भावना परम शुद्ध है, हम आत्मा हैं। आत्मा की भावना परम शुद्ध है, उसके ऊपर बार बार जन्मों की, जन्म दर जन्म जो परतें जम गई हैं, मैल की, मैली कुचेली, काली पीली नीली, इनको झाड़ने के लिए सभी सदग्रंथ और सदगुरु उपदेश करते हैं, मार्ग दर्शाते हैं। यदि हम जब उस ओरिजिनल स्थिति को, मूल प्रकृति को, हमारे मूल स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं, उस मूल स्वभाव का ही नाम धर्म है। उस मूल स्वभाव को प्राप्त करने के लिए हम जितने भी धर्म कार्य यानी पुण्य कार्य, पवित्र कार्य करते हैं, वो हमारी प्योरिफिकेशन के लिए मदद करते हैं। पुण्य कार्य, उनको भी धर्म कार्य कहा जाता है, क्योंकि उस धर्म को, मूल धर्म को, मूल स्वभाव को हमें वापस ले जाते हैं, हमें शुद्ध करने के लिए वो बड़े मददगार हैं पूर्ण कर्म। इसलिए उन्हें भी धर्म कह के या धर्म कार्य कह के बोला जाता है। ये सनातन धर्म ये नहीं कि हिंदू का ही है या मुसलमान का ही है, ये तमाम ब्रह्मांडों में जितनी भी जीव आत्माएं हैं, ये ओरिजिनल जब भगवान से कभी भिन्न हुए अंश रूप से, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, ममैव अंशो जीवलोके जीव भूतः सनातनः। हे अर्जुन, ये जितने भी अनंत ब्रह्मांडों में जीव आत्माएं हैं, ये मेरे ही अंश हैं। मने षष्ठाणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, लेकिन जो मन रूपी छठी इंद्रिय मनुष्य के पास, ये संसार की ओर, भौतिक प्रकृति की ओर आकर्षित होती है, भोग करने के लिए, डोमिनेट करने के लिए इस मैटेरियल नेचर को, तभी ये जाल में उलझ जाती है, या कहिए कि इसके चारों पल्ले कीच में सन जाते हैं, काम क्रोध मद मोह मत्सर लालच इत्यादि रिपुओं से घिर जाती है, और इनके रंग, इनके कलर इसके ऊपर जमने लगते हैं, धूल की परत, फिर ये अंधतम हो जाती है, या कुछ कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है, कुछ समझ में नहीं आता सत्य क्या है, असत्य क्या है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किसे मिलना है, किसे नहीं मिलना है, इसको अंधकारवश कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है, या बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इसलिए तो जीसस की कथा में, लॉर्ड जीसस की कथा में एक बहुत सुंदर बात है कि जीसस ने अंधों को आंखें दी। लोग समझते हैं किसी अंधे को आंख दे दी होंगी बड़े चमत्कार की, नहीं, इस संसार में अंधे लोग भटकते हैं, अंधकार में जीवन जीते हैं, उनकी आंखें खोली, उनको देखना, देखने की कला दी, नेत्र दिए, नेत्र प्रदान किए, ज्ञान चक्षु दिए। फिर कहा है कि जीसस ने बीमार व्यक्ति को स्वस्थ किया। समाज में बहुत बीमार है, बीमारी से घिरे हुए हैं, रोगग्रस्त हैं, उनका रोग भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करके उनके रोग निवारण किए, उनको कीर्तन करना सिखलाया, भगवान का पवित्र नाम का जप करना सिखलाया, पुण्य कर्म करना सिखलाया, उनके रोगों का निवारण किया। वरना रोगों का निवारण कोई दवाओं से थोड़ी होता है, दवाओं से तो शरीर का भी, शरीर के रोग का भी निवारण नहीं होता, फिर मन का और बुद्धि का तो अनेक रोग है, इनका निवारण कैसे होगा। इसलिए उन्होंने पवित्र नाम भगवान के दिए कि इनका कीर्तन करो, इनका उच्चारण करो, तुम्हारे सारे रोग निवृत्त हो जाएंगे, रोग मुक्त हो जाओगे। फिर कहा कि जीसस ने मुर्दों को जिलाया, सत्य है, क्योंकि समाज के अंदर लोग, अनेकों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग मुर्दे की तरह जीवन जीते, जैसे कोई मुर्दा जा रहा हो, ना कोई उनके हृदय में दया है, ना धर्म है, ना कोई करुणा है, ना कोई क्षमा है, ना कोई संतोष है, मुर्दे की तरह जीते, मुर्दे की तरह। उनको जिलाया कि भाई तुम ये जीवन को कैसे जीते हो मुर्दे की तरह,
तुम्हारी चाल में मुर्दा पना है, तुम्हारी बातों में मुर्दा पना है, तुम्हारे कर्म मुर्दे की तरह होते हैं, जो भूत प्रेतों के होते हैं। भूत प्रेत मुर्दे ही तो है, मुर्दा होने के बाद ही भूत प्रेत बनता है। जीसस ने ऐसे मुर्दे लोगों को भी जिंदा किया, उनको जीवन दान दिया, उनको जीना सिखलाया, जीने की कला दी, प्रेम कला दी, प्रभु का प्रेम बांटा। लव इज गॉड। भटके थे जो पथ से, उनको पथ दिखलाया। सत्य है, इसलिए हमें इस जीवन को कलात्मक ढंग से जीना चाहिए, तो आपका जीवन सुखी नहीं होता। बाकी ये संसार के सारे कलेशों से आप मुक्त हो जाते हैं, आपके जम के फंद कट जाते हैं, जाल से निवृत्त हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जीते जी भी आप मुक्त आत्मा की तरह जीवन जीते हैं कलात्मक ढंग से, और मरने के उपरांत भी ऊंचे लोकों में, यानी वैकुंठ लोकों में, स्वर्ग में, हेवन में चले जाते हैं। ये आपको लाभ मिलता है, विशेष लाभ। इसको ही सफलता कहा है शास्त्रों में। धन कमा लेने से या धन की वृद्धि करने से या किले जीत लेने से सफलता नहीं मानी गई है शास्त्रों में, या किसी वर्ल्ड के मेडल हासिल करने से आपको जीवन की सफलता नहीं मिलेगी। जीवन की सफलता, सच्ची सफलता तो यही है कि इस प्रभु के बन जाओ, प्रभु के बन जाओ। प्रभु के बनने पर ही आपको सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की अनुभूति होगी, और कोई मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो ये अंतिम भजन को भजन के बाद ही आज की सभा का समापन कर रहे हैं, और फिर कभी जब सभा का आयोजन होगा मैं आपको सूचित करूंगा, समय भी और स्थान भी। मुझे विदा दीजिए। जय गोपाल।